Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर इस बार 278 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 105 कैंडिडेट हायर एजुकेटेड यानी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एमबीए, पीएचडी और प्रोफेसर हैं। 124 प्रत्याशी चौथी से बारहवीं पास हैं और 36 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो अंगूठा छापती हैं। इन्होंने एफिडेविट में हस्ताक्षर की जगह अंगूठा ही लगाया है। अनपढ़ कैंडिडेट की संख्या 6-6 सबसे ज्यादा अमृतसर और खंडूर साहिब में है। इसके अलावा हाई एजुकेशन वाले कैंडिडेट सबसे अधिक पटियाला और संगरूर सीट पर 14-14 है। पटियाला से चुनाव लड़ रहे ऋषभ शर्मा, आलएलबी बलदीप सिंह एमबीए पीएचडी, धर्मवीर गांधी एमडी एमबीबीएस खंडूर साहिब से चुनाव लड़ रही हैं जागीर कौर बीए, बीएड लुधियाना से ब्रजेश कुमार बीए एमएस एमडी हैं और 13 सीटों पर उम्मीदवारों पर लड़ाई झगड़े से लेकर रेप और कत्ल तक के 60 केस भी दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार जमानत पर हैं, जबकि कुछ मामलों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ उम्मीदवारों के केस कोर्ट में विचाराधीन हैं। जिन उम्मीदवारों पर केस दर्ज हैं उनको 17 मई से पहले 3 बार अखबार या चैनल में जानकारी देनी होगी। ये जानकारी टीवी चैनल पर फोटो के साथ 7 सेकंड में कम से नहीं होनी चाहिए और ये 24 घंटे में 3 बार टीवी पर चलनी चाहिए। जानकारी पर देने वाले उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार नामांकन रद्द होने के बाद कोर्ट से स्टे आदि लेकर चुनाव लड़ेगा तो उसका नतीजा रोक लिया जाएगा। लुधियाना से चुनाव लड़ रहे सिमरजीत सिंह बास पर सबसे ज्यादा 8 मामले दर्ज हैं। इनमें लड़ाई झगड़े, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने, हाईवे ब्लॉक करने और कत्ल का प्रयास और कई अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले शामिल हैं। बैस के बाद सबसे ज्यादा 6 की संगरूर से चुनाव लड़ रही भारतीय लोकसभा दल के महेंद्र पाल सिंह के खिलाफ दर्ज है। इसमें लड़ाई झगड़े और ट्रेस पासिंग के अलावा अन्य धाराओं के तहत मामले शामिल हैं। लुधियाना लोकसभा क्षेत्र से इस बार 27 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले लुधियाना में दर्ज हुए हैं। यहां से लड़ रहे उम्मीदवारों पर 15 केस दर्ज हैं, जबकि जालंधर लोकसभा क्षेत्र से किसी भी उम्मीदवार पर कोई केस दर्ज नहीं है। इसके अलावा कई जिला में से भी प्रत्याशी पर क्रिमिनल केस और अन्य तरह के केस दर्ज हैं। इन नेताओं पर संगीन आरोप हैं। लुधियाना से ही चुनाव लड़ रहे अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार पिंटू कुमार टॉक पर रेप का आरोप में केस दर्ज है। सुनवाई लुधियाना कोर्ट में ही चल रही है। उधर आनंदपुर साहिब से चुनाव लड़ रहे हिंद कांग्रेस पार्टी के कंवलजीत सिंह पर दहेज का मामला दर्ज है। खंडूर साहिब से चुनाव लड़ रही अकाली दल की जागीर कौर के खिलाफ किडनैपिंग, साजिश रचने के आरोप के केस दर्ज है। इसके अलावा उनके खिलाफ एक कोर्ट केस भी चल रहा है। संगरूर से चुनाव लड़ रही हिंदुस्तान शक्ति सेना की राजवीर कौर के खिलाफ ठगी और वुमेन स्मगलिंग 2012 एक्ट के तहत केस दर्ज है।